हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रही हूँ अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडी ऑफ फिजिकल एजुकेशन दोनों ही 11th और 12th क्लास के कवर करे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की न्यू प्लेलिस्ट के साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मीन मीडियन मोड। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको मीन के सारे टाइप्स और उसका पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगी। सो मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मीन को काफी शॉर्ट बेसिस पे मैंने नोट्स बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपको एक ही वीडियो में पूरे मीन के सारे टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन आपके तीन टाइप्स के होते हैं, थ्री सीरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, देन मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब इनके बारे में वन बाय वन देखें, उससे पहले इसके जरा फर्दर टाइप्स भी देख लेते हैं। मीन इन इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दो टाइप्स में और डिवाइडेड होती हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है शॉर्टकट मेथड। यानी आप इंडिविजुअल सीरीज में भी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में भी डायरेक्ट और शॉर्टकट से सॉल्यूशन निकालते हैं। तीसरा होता है आपका मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये पूरा का पूरा मैं आपके साथ इसी एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, अपना फर्स्ट टाइप। सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है आपका मीन इज इक्वल टू टोटल एक्स अपॉन एन। एन होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्म्स और एक्स होता है आपका जो भी आपको अमाउंट दे रखी है या जो भी आपको सीरीज दे रखी है, दैट इज उसका पूरा टोटल। ये जो आपको ई दिखाई दे रहा है ये टोटल लिंक दिखाता है। फाइन, डायरेक्ट मेथड हम यूज करते हैं व्हेन आइटम्स आर फ्री, व्हेन आइटम्स आर वैल्यूज, जब हमारे पास बहुत कम हो, ठीक है, आइटम्स हमारे पास काफी कम हो, तो हम कौन सी सीरीज का यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड का, तब हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। सीरीज तो आपकी सब में अप्लाई होती है, बट डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है आपका मीन इज इक्वल टू ए प्लस टोटल डी, यानी कि आपके डेविएशन, अपॉन एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, इसमें ए होता है आपका एज्यूम मीन, डी होता है आपका एक्स माइनस ए, यानी कि आप जो x की सीरीज दी है उसमें से एज्यूम मीन को माइनस करते जाएंगे और आपका d फाइंड आउट होता जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है n। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये दोनों ही क्लियर हो जाए। एक ही एग्जाम्पल से मैंने आपको दोनों चीजें यहाँ पे समझाई हैं कि डायरेक्ट मेथड से भी आंसर कैसे निकल रहा है और इनडायरेक्ट से भी निकल रहा है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास दिए हैं टोटल 10। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 10। तो यानी कि जो n लिखा हुआ है यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा ऊपर भी और स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड में भी n आएगा हमारा 10, क्योंकि नंबर ऑफ सीरीज, नंबर ऑफ टर्म्स हैं। देन आते हैं दूसरा दिया है हमें वेजेस। तो वेजेस आपके, ये टोटल वेजेस का आप कर लेंगे 1060 मीन निकालने के लिए बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का अगर हमें मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमें वेजेस दे रखे हैं यानी एक्स, इसको हम एक्स कहेंगे, इस एक्स का टोटल करना है, तो ये टोटल एक्स हुआ हमारा 1060, इन सबको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म से, तो आपका आंसर निकल आएगा डायरेक्ट मेथड से मीन का। नेक्स्ट आते हैं कि शॉर्टकट मेथड के लिए अब क्या करना है। तो सबसे पहले हम एक लेंगे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन हम लेंगे कहां से, एक्स में से, हमेशा x में से ही आप एज्यूम मीन लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन लिया है 110 को, ठीक है, हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आप हमेशा मिडिल वैल्यू को ही एज्यूम मीन लें, ना बहुत ऊपर की ना बहुत नीचे की। तो मिडिल टर्म को आपने एज्यूम मीन लिया 110। अब क्या करेंगे हम, हमारा फॉर्मूला होता है d निकालने का इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स दिया हुआ है हमें, उसमें से हमें a को माइनस करते जाना है, यानी एज्यूम मीन को माइनस करते जाना है। ध्यान दीजिएगा कि हमें माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है। तो 60 - 110 - 50, 70 - 110 - 40, 80 - 110 - 30, ये माइनस के टर्म्स आ गए। जब तक आपका 110 की वैल्यू बड़ी है तब तक माइनस साइन आपका रहेगा,
उसके बाद एक लेवल ऐसा आएगा जिसमें आप एज्यूम मीन को एज्यूम मीन से ही माइनस कर रहे होंगे, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। देन आपके प्लस में आपका आंसर आएगा 115 माइनस 110 प्लस 5, 130 माइनस 110 प्लस 20, इस तरह से पूरा। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस वाली वैल्यू को एक साथ प्लस कीजिएगा, उसके बाद ये प्लस वाली वैल्यू को एक साथ ऐड करिएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि दोनों को साथ लेकर नहीं चलिएगा, कई लोग जिनकी मैथ्स थोड़ी कमजोर होती है उनका ये गड़बड़ हो जाता है वरना। तो बिल्कुल माइनस टर्म्स को आपस में ऐड कर लीजिए, आया माइनस 145, फिर प्लस टर्म्स को ऐड कर लीजिए प्लस 105, इन दोनों को आपस में ऐड करिए। अब इनको ऐड करने का मतलब क्या है, माइनस 145 को प्लस 105 करेंगे आप उसमें, तो आंसर आएगा आपका माइनस 40। माइनस प्लस माइनस होता है, यानी आप इस नंबर को इस नंबर से माइनस करोगे तो आंसर आएगा आपका माइनस 40। ध्यान रखिए माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना है आपको, जहां जहां माइनस साइन आ रहा है, जैसे कहां आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है हम उसका साइन हमेशा कंसिडर करते हैं, यहाँ बड़ी वैल्यू कौन सी है 145, तो बिल्कुल माइनस साइन को हम कंसिडर करेंगे। तो लिखा यहाँ पे हमने माइनस 40, ये हमारा पूरा का पूरा क्या आ गया, ये पूरा का पूरा हमारा डी की वैल्यू आ गई, ठीक है, टोटल डी यानी डेविएशन। तो माइनस 40 हमने लिखा, नंबर एन हमारा 10 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी 10 ही रहेगा। एज्यूम मीन हमने लिया था 110 फॉर्मूला और प्लस का साइन लगा था। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आप 10 को 40 से रिड्यूस करो, बचा 4, और ये प्लस माइनस का सॉल्यूशन निकला माइनस 110 में से माइनस 4 कर दीजिए, आंसर आएगा 106। तो डैड ये हमारा शॉर्टकट मेथड से भी आंसर आ गया, अगर आप देखें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है नेक्स्ट सीरीज हमारी मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी हमारे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड देखते हैं, टोटल मीन इज इक्वल टू टोटल एफ एक्स अपॉन टोटल एफ, एफ है फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स है फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला है हमारा, टोटल मीन इज इक्वल टू या मीन इज इक्वल टू ए प्लस एफ डी अपॉन एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, और ए का मतलब एज्यूम्ड मीन जो वहां भी था। अब ये डी कैसे निकलेगा, वो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, जैसे वहां भी था वही काम यहाँ पे भी है, ठीक। देन आपके अगर हम देखें तो चेंजेस क्या हुए, एन की जगह एफ आ गया। डिस्क्रीट सीरीज में हमें एफ दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ठीक है, हमें एन नहीं दे रखा होता, फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखी होती है, तो हम यहाँ एन नहीं लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे, ये डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए। अब आते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने पे, आपको एज दे रखी है, उस एज को आप क्या एज्यूम करोगे, एक्स, उसको हम एक्स मानेंगे, वो एक्स होता है एज इन ईयर्स। नंबर ऑफ मेल्स, जहां नंबर दिया हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है ना, कि कितनी बार कितना फ्रीक्वेंसी है, तो बिल्कुल ये आपके नंबर जहां दिया हो, नंबर ऑफ मेल्स या नंबर ऑफ फ्रूट्स इस टाइप से, तो वो फ्रीक्वेंसी हमेशा देखी जाती है। इस फ्रीक्वेंसी को आपस में पूरा ऐड कर लीजिए, टोटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें 50, ठीक। एफ एक्स करेंगे तो एफ इंटू एक्स, यानी 21 20, 21 2 42, 22 4 88, 23 5 115, इस तरह से पूरा आप मल्टीप्लाई कर लोगे एफ एक्स को, और इसके बाद इसका पूरा ऐड कर दोगे, आंसर आएगा आपका 1200, इसको हम कहेंगे एफ एक्स। अब डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया 1200, एफ हमने फाइंड आउट कर लिया 50, वैल्यू पुट कर दीजिए फॉर्मूले में और डायरेक्ट मेथड से आंसर आपका आ गया 24। अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड से आंसर कैसे आना है, तो शॉर्टकट मेथड से आपका आंसर ऐसे आएगा कि पहले आपको निकालना पड़ेगा डी। तो सबसे पहले हम लेंगे एज्यूम्ड मीन, हमने पहले ही आपसे कहा था कि हमेशा एज्यूम मीन कहां से लेते हैं, हम एक्स से ही लेते हैं, तो ये है हमारा एक्स, हम लेंगे एज्यूम मीन इस एक्स से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे क्योंकि नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक्स आ गया हमारा, ठीक, सॉरी एज्यूम मीन हमने ले लिया 23। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या करना है आपको, ये जितने एक्स के टर्म दिए हैं इसको इस एज्यूम मीन से माइनस करते जाइए, यानी 20 माइनस 23 आएगा माइनस 3, 21 माइनस 23 आएगा माइनस 2, 22 माइनस 23 माइनस 1 आएगा, 23 माइनस 23 0 आ जाएगा, 23 माइनस 24 1 आएगा, 23 माइनस 25 2 आएगा,
यानी ये आपके टर्म जो है वो प्लस में आएंगी और ये माइनस में आएंगी, क्योंकि 23 यहाँ इन सबसे बड़ा है। माइनस माइनस साइन नहीं, इग्नोर करेंगे, फिर से वही बात। उसके बाद आएंगे एफडी करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, एफडी। अब हमने डी निकाल लिया तो अब क्या करेंगे, जो हमें एफ दिया है उससे इस डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 1 3, 2 2 4, 4 5, 4 1 4, 5 0 0, 15 15 1 15, 23 2 46, प्लस साइन माइनस साइन वैसे ही लगाएंगे जैसे यहाँ डी में लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में साइन नहीं चेंज हो जाते हैं। ऐड करेंगे, पहले माइनस टर्म्स को आपस में ऐड करिए, आंसर आएगा -11। उसके बाद प्लस टर्म्स को ऐड करिए, आएगा आंसर +61। दोनों को आपस में ऐड करना है, ऐड करने का मतलब जब एक टर्म माइनस है एक टर्म प्लस है तो आपका आंसर क्या निकलता है, उनका डिफरेंस निकलता है। तो -11 +61 क्या आएगा आपका, 50। साइन किसका लगेगा, बड़े का, यहाँ बड़ा नंबर कौन सा है, 61, पॉजिटिव नंबर यानी प्लस नंबर बड़ा है, तो कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा। एफडी का टोटल ये आया, एफडी का टोटल ये आया, आपने एफडी की वैल्यू में रख दिया। एज्यूम मीन हमने 23 लिया ही था और फ्रीक्वेंसी हमारी टोटल 50 आई थी, ये दोनों ही आपस में कट जाएंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कट जाएंगे तो यानी यहाँ खाली कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं तो यहाँ अब बच क्या रहा है, 1 बच रहा है, इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो 23 प्लस 1, क्योंकि प्लस ही है हर जगह, 23 प्लस 1 आंसर आ गया आपका 24। इसमें भी अगर हम देखें तो जो मीन से आंसर, जो डायरेक्ट मेथड से आंसर निकल रहा था वही हमारा शॉर्टकट मेथड से निकला। ये हो गई हमारी मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं अपने मीन के थर्ड टाइप पे, जो कि है मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज का क्या मतलब है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दे रखा होता है, सारी सीरीज आपस में कंटिन्यू होकर चलती है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। इसमें आपको सी आई दिखेगा, सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये आपको पहचान दिला देगा कि ये कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, जहां फ्रीक्वेंसी दिखती है वो डिस्क्रीट सीरीज, जहां नंबर ऑफ टर्म्स दिख रहे हैं वहां पे आपकी आपकी जो सीरीज आती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक। तो उसको भी देख लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज कैसी है। सबसे पहले इसमें तीन मेथड होते हैं, समझने वाली बात यह है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा मीन इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ, एफ वही फ्रीक्वेंसी, एफ एम में एफ फ्रीक्वेंसी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एम से, एम को हम कहते हैं मिड वैल्यू, ठीक। उसके बाद आते हैं शॉर्टकट मेथड पे, ए एज्यूम मीन, एफ फ्रीक्वेंसी, डी डेविएशन ऑफ मिड वैल्यू और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। फिर आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में, जो केवल इसी में है, बाकी दो में नहीं था। इसमें क्या होता है, ए प्लस टोटल एफ डी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डी मतलब डेविएशन, लेकिन ये जो ऊपर कॉमा लगा है, इस कॉमा, ये कॉमा जब इसमें लग जाता है, इस अपोस्ट्रोफी लग जाती है तो ये कहलाने लगता है स्टेप डेविएशन, और ये जो आपको अपोस्ट्रोफी दिख रही है इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डी अपॉन सी, अभी आपको क्लियरली हो समझाएंगे, डी अपॉन सी है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे फाइंड आउट होना है। सबसे पहले एग्जाम्पल आपका, मार्क्स दिए हैं आपको, और अगर आप देखें हमने कहा था इसमें क्लास इंटरवल होते हैं, हम इन्हें क्लास इंटरवल कहते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और आप देखो ये आपस में कंटिन्यू है, ये 10 से खत्म हो रहा है तो ये 10 से शुरू हो रहा है, ये 20 से खत्म हो रहा है तो ये 20 से शुरू हो रहा है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज कहलाती है, ठीक है। इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, ये हम फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड कर लेंगे, आ गया 100, क्योंकि हमें हर फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी का काम है। अब आते हैं m कैलकुलेट करने में, यानी हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट मेथड में देखा था हम क्या करते हैं, एफ एम करते हैं, तो एफ एम के लिए ये m लाना जरूरी है, और ये m कैसे आएगा वो देखते हैं। जो आपको क्लास इंटरवल दे रखी है, ठीक है, उसको आपस में ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल आता है, m की वैल्यू निकल आती है, मिड वैल्यू निकल आती है, हमें इन दोनों के यानी क्लास इंटरवल की बीच की वैल्यू को निकालना है। इसकी बीच की वैल्यू क्या होगी, 0 से 10 की बीच की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 10 से 20 की मिड वैल्यू क्या होगा, 15 होगी, लेकिन ऐसे अंदाजे से काम नहीं करेंगे हम, वैल्यू पुट करके काम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम बोलते हैं L1 और इसको बोलते हैं L2, तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, आ गया 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 10 35, 40 प्लस 50
डिवाइड बाय 245, 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 255, ये आ गया हमारा m, ठीक है, ये आ गया हमारा m। अब हम करेंगे fm, क्योंकि हमें डायरेक्ट मेथड में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, fm अपॉन f, तो बिल्कुल f को m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 25 10 15 125 25 25 60 625 30 into 35 1050, इस तरह सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबका टोटल निकाल लीजिए। ये टोटल आ गया आपका fm, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, यानी fm 3300, f 100 डिवाइड किया, आंसर आया 33। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए फाइंड करने, तो शॉर्टकट में हमें d निकालना है, डेविएशन निकालना है। ये डेविएशन कैसे निकलेगा वो समझिए। डेविएशन में हमें एज्यूम मीन की जरूरत पड़ती है, एज्यूम मीन हम क्या लेंगे 35, कहां से लेंगे वो देखना जरूरी है। अब यहां तो हमें x दे रखा है, बट ये हम इससे कोई वैल्यू उठा नहीं सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस बेसिस पर है। हमने इसी को x के फॉर्म में किया है यहां पर, जो अभी तक आप देख रहे थे, तो यहां पे फिलहाल हम इसको x मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट दे रखी है, हम मिड वैल्यू यही, हम यहां से ही एज्यूम मीन निकाल पाएंगे, यहां से नहीं निकाल सकते। तो एज्यूम मीन एक ले लिया हमने 20 से 35 को, तो क्या करेंगे अब, m में से 35 को माइनस करते जाइए, यानी 5 माइनस 35 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, और इसके बाद 35 माइनस 45 10, 55 माइनस 35 20, ये पूरा आ गया हमारे पास d। अब हम कर देंगे FD, क्योंकि फॉर्मूले में हमें FD लिखना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, D आपने निकाल लिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएंगे आपके इस तरह प्लस माइनस के फॉर्म में, माइनस को एक साथ ऐड कर दीजिए, प्लस को एक साथ ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकलेगा 200, और वैल्यू में पुट कर दीजिए माइनस 200, ध्यान रखेंगे माइनस साइन कहीं इग्नोर नहीं होगा, माइनस 200 अपॉन 100 एज्यूम मीन प्लस 35, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा हमारे पास 33, फाइन 33 हमारे पास आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड में, जिसमें हमें स्टेप डेविएशन निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है। स्टेप डेविएशन कैसे निकालेंगे आप, डी का जो एपोस्ट्रोफी है, स्टेप डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डी जो दे रखा है उसको डिवाइड कर दीजिए सी से। अब बात यह है कि D कहाँ है, तो D हमने ये निकाला ही था अभी, जब हमें शॉर्टकट मेथड से फाइंड करना था तो ये हमने D ही निकाला है, ठीक है ना, डेविएशन निकाला है, डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए C से। C मतलब है क्लास इंटरवल साइज, यानी क्लास इंटरवल साइज का मतलब है इनके बीच साइज कितना नजर आ रहा है आपको, हर जगह आपको 10-10 का डिफरेंस नजर आ रहा है, 0 से 10 डिफरेंस क्या है 10, 10 से 20 डिफरेंस क्या है 10, 20 से 30 डिफरेंस क्या है 10, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी L1 माइनस L2 करेंगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, इनके फ्रीक्वेंसी के बीच का, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। तो यही डिफरेंस हमने निकाला है, और जितने हमें D दे रखे हैं उनसे हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी 30 माइनस 10 माइनस 3, माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 1, 0 डिवाइड बाय 10 0, इस तरह से प्लस के भी वैल्यू आ जाएगी अलग और माइनस की भी वैल्यू आ जाएगी अलग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टेप डेविएशन फाइंड कर लिया, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ डी, राइट, एफ डी यानी उठाइए फ्रीक्वेंसी डी, आपको अब आपको स्टेप डेविएशन डी दे रखा है, इससे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका आ जाएगा एफ डी। क्या करेंगे, 5 थ्री जा 15 माइनस 15, 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20, 25 इंटू माइनस 1 25, ये पूरा माइनस का टर्म एक साथ ऐड कर लीजिए, इसी तरह से प्लस का निकाल लीजिए, 20 इंटू 20 40 होता है, 10 इंटू 20 20 होता है, ठीक, सॉरी 10 इंटू 20 20 होता है, तो वो हमने निकाल लिया, ये देखिए यहाँ पे आपका 10 टू जा 20, ठीक है, ये पूरा एडिशन, ये पूरा माइनस वाला एक साथ ऐड किया, माइनस और प्लस वाले टर्म्स को आपस में ऐड करने की कोशिश की, मतलब ऐड किया, जिसका आंसर आएगा आपका माइनस 20, क्योंकि एक माइनस टर्म है एक प्लस टर्म है, ये आ गया माइनस 20, यानी ये निकल आया आपका एफ डी, फ्रीक्वेंसी स्टेप डेविएशन। इसके टोटल को वैल्यू में पुट करिए,
फ्रीक्वेंसी हर जगह निकाल ही रहे हैं हम, 100 दे रखी है, एज्यूम मीन आपने 35 लिया था, और इस तरह से इसकी पूरी इंटू 10 कर देंगे, यानी क्लास इंटरवल कर देंगे। इंटू सी करना जरूरी है क्लास इंटरवल। तो हमने क्लास इंटरवल का गैप अभी देखा था, यहाँ पे कितना था, 10 था, वही 10 उठा के यहाँ लिख देंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 33। अगर हम देखें तो आप डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो, शॉर्टकट से निकालो, या स्टेप डेविएशन से निकालो, आंसर आपके तीनों में सेम ही आने हैं। तो ये पूरा मैंने आज आप लोगों के साथ मीन का जितना भी आपका कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी लिखें। नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।